गाइस वेलकम टू माय चैनल शाइनी व्लॉग्स। तो आज का हमारा वीडियो है मेकअप रिमूविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। मेकअप हमारे को रिमूव करना इतना क्यों ज़रूरी है, मेकअप से हमें क्या नुकसान होता है, ये सब बताने के लिए आपको प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेकअप से क्या क्या नुकसान होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको मैं बताऊंगी कि सबसे पहला जो पॉइंट है मेकअप से जो क्या नुकसान होता है कि मेकअप में बहुत सारा लेड होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान देते हैं, आपके पोर्स में सीटिंग हो जाते हैं और आपको कुछ सालों बाद बहुत सारा पिगमेंटेशन दे जाते हैं अगर आप मेकअप को प्रॉपरली रिमूव नहीं करते हैं। सेकेंड क्या होता है, मेकअप की वजह से आपके स्किन में अगर मेकअप ऑयल बेस्ड है तो वो आपके स्किन को पोर्स को क्लोज कर देता है, क्लॉक कर देता है और आपको बहुत सारे एक्ने दे जाता है। और थर्ड क्या होता है, अगर आपको पता है कि मेकअप मूव नहीं करते हैं आप, लेट नाइट सो जाते हैं, आपको लगता है नहीं मेकअप तो मेरा, तो मेकअप ऑर्गेनिक है, मेरा तो ये है वो है, मेरा बहुत अच्छा ब्रांडेड मेकअप है, नहीं दोस्तों ये मेकअप जितने भी मेकअप हैं मोस्टली 80% मेकअप प्रोडक्ट्स उनमें सिलिकॉन होता है जो कि आपकी स्किन को उस टाइम तो बहुत ही प्राइम एंड प्रेप कर देता है, पर लेटर ऑन वही सिलिकॉन की जो हैबिचुअल नेचर क्या होती है सिलिकॉन की, वो आपके पोर्स में और आपकी स्किन को बड़ा प्राइम्ड एंड प्रेप कर देता है। पर वही सिलिकॉन अगर आप मेकअप को नहीं रिमूव करते आपकी स्किन की लाइंस में, फाइन लाइंस में डीप सीटिंग हो जाता है और आपको परमानेंट लाइंस एंड रिंकल्स दे जाता है। तो फ्रेंड्स मेकअप रिमूवर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मेरे पास ये टॉप 4 प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट इज गार्नियर माइसेलर ऑयल इन्फ्यूज क्लेंजिंग वाटर, राइट। सेकेंड इज ऑर्गेनिक माइसेलर वाटर, राइट। एंड थर्ड वन इज जॉनसन्स बेबी ऑयल, फोर्थ वन इज वैसलीन पेट्रोलियम जेली, राइट। तो ये चारों प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, गार्नियर माइसेलर ऑयल इन्फ्यूज क्लेंजिंग वाटर, इट रिमूव्स वाटर प्रूफ मेकअप, cleanses and nourishes the skin with no rinse off technology is there, it is non-greasy and dermatologically and ophthalmologically tested। ये 400 ml का आता है friends for 399 rupees और ये आपको करते हैं recommend कि 200 uses तक ये recommend करते हैं आपको। it is with argan oil and it is specially recommended for oily skin, right। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसकी छोटी बॉटल भी अवेलेबल है बट आई हैव यूज दिस बिगर वन, राइट। तो जैसे मैंने एक आईलाइनर का स्वैच लगाया हुआ है ऑलरेडी अपने हाथों पे, तो ये ड्राई आउट हो चुका है और थोड़ा सा स्मज भी हो चुका है, तो इसको मैंने रिमूव करना है। तो देखिए विद दिस गार्नियर माइसेलर वाटर ओनली विद वन स्वाइप ये अच्छी तरह निकल गया है। तो दिस गार्नियर माइसेलर वाटर आई विल रिकमेंड फॉर ऑयली स्किन पीपल, राइट। सेकेंड है हमारे पास ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का माइसेलर वाटर। इससे पहले रिमूव का डेमोन्स्ट्रेशन देना है मैंने आपको, तो पहले मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ ताकि जब तक मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये मेरा आईलाइनर ड्राई ऑफ हो जाए। तो ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ऑर्गेनिक माइसेलर वाटर है। इट हैज नो सिलिकॉन, नो एल्कोहल एंड इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप। 90 ml है और इसमें 40 uses इन्होंने बताया हुआ है। 245 का है ये फ्रेंड्स और इसमें कैस्टर ऑयल है, ग्लीसरीन है और एलोवेरा है। ये बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनिक है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल, जिनकी एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव स्किन पीपल है जिनको कुछ भी सूट नहीं करता, स्पेशली वो लोग तो मेकअप केमिकल बेस्ड मेकअप रिमूवर्स तो बिल्कुल यूज ना करें, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक बेस्ड है ये और इसकी कंपनी की एक बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स कि इनके प्रोडक्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन पुट अ क्वेरी अगेंस्ट अस, पुट अ कंप्लेंट अगेंस्ट अस और हम अपने उस प्रोडक्ट को रिटर्न ऑफ करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट मेरा आईलाइनर सूख गया है, राइट। तो मैं आपको अब इसको रिमूव करके दिखाऊंगी। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर प्रॉपर मेकअप रिमूवल, राइट। थर्ड जो मैं आपके मेरे पास है वो है जॉनसन्स बेबी ऑयल। तो जॉनसन्स बेबी ऑयल और ये है मेरे पास वैसलीन।
Johnson's baby oil is very good for baby massage and everything, you know it, right? इसके बहुत सारे uses हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. और इसको जो है, इसमें बेसिकली विटामिन ई होता है, ऑलिव ऑयल होता है, और इसकी जो है क्वांटिटी है 50 ml है, और 52 rupees का है ये फ्रेंड्स, राइट. और ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ही होते हैं बिकॉज दे आर बेबी प्रोडक्ट्स. एंड फोर्थ जो है हमारा वैसलिन पेट्रोलेटियम जेली, इट इज विद एलोवेरा, राइट. और ये 72 rupees की है फ्रेंड्स, राइट. तो अब मेकअप रिमूव करना इज इशू फॉर ऑयली स्किन, सेम इज विद द सेंसिटिव स्किन पीपल ऑल्सो, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का माइसेला वाटर. तो जितना भी आपने मेकअप रिमूव करना है, बेटर इज टू यूज हाइड्रेटिंग क्लिंजर्स और एनी माइसेला वाटर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लिंजर्स, राइट. तो फॉर ड्राई स्किन पीपल आई विल रिकमेंड दिस कॉम्बो. दिस कॉम्बो हैज बेबी ऑयल एंड द सेकेंड वन इज वैसलीन. तो आई हैव जस्ट पुट वन आईलाइनर ऑन माई हैंड और मैं वेट करूंगी ये ड्राई आउट हो जाए, ठीक है. तो हमने करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले हमने बेबी ऑयल लगाना है, उससे क्या होगा मेकअप हमारा लूजन आउट हो जाएगा. और उसके बाद हमने जो लगाना है वो है वैसलीन. तो सबसे पहले मैं बेबी ऑयल लगाऊंगी यहाँ पे अपने हैंड पे. तो बेबी ऑयल क्या करेगा, मेरी स्किन का जो ये जो मेकअप है, आईलाइनर है, उसको थोड़ा सा वेट कर देगा, ऑयल इन्फ्यूज कर देगा इसमें, उसको लूजन आउट कर देगा. और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी एक कोट वैसलीन का, राइट. एक कोट मैंने लगाया, इसे हल्का हल्के हाथ से आपने डैप कर लेना है उसको, रब हल्का सा, रब नहीं करना, मतलब आपको जस्ट लगाना है थिक कोट ऑफ वैसलीन. तो इसको मैं 5 to 10 seconds वेट करूंगी. और फॉर ड्राई स्किन पीपल इट इज़ वेरी गुड बिकॉज इट विल नॉट dehydrate their skin and it will not harm their skin and it will not stretch their skin, जो होता है अक्सर makeup removers. तो ये देखो within one single swipe ये भी निकल गया. तो ये जो सारे मेरे makeup removers हैं, ये मेरे tried and tested हैं friend. तो आप इनको use कीजिए और use करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये makeup removers आपको कैसे लगे. Bye for now. और मैं आपके सामने और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी. तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. बाय 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 फॉर नाउ फ्रॉम शाइनी ब्लॉग्स.